नमस्कार व्यूअर्स, मैं रवि गौतम आपका स्वागत करता हूँ फिट विल फिटनेस की एक और नई वीडियो में। ऑफिस में बैठे बैठे क्या आपकी कमर दुख गई है, दर्द हो गया है, और या रोजमर्रा के काम करते हुए आपके कमर में दर्द होने लग गया है? तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसे आसन जिन्हें करके आप अपने कमर दर्द से निजात पा सकते हैं। तो अपने योगा मैट लेके तैयार हो जाइए और चलिए करते हैं कुछ आसन जिनसे आप कमर दर्द को खत्म कर सकते हैं। सरल भुजंगासन करने के लिए अपने योगा मैट पर पेट के बल लेट जाएं, दोनों हाथ हेड के साइड में रखें। इनहेल करते हुए धीरे धीरे अपने हेड को उठाएं, चेस्ट को उठाएं, दोनों पांव मिला के रखें। एल्बोज आपकी शोल्डर्स के नीचे हों, दोनों हाथ आपस में पैरेलल हों। प्रसन्नता के भाव के साथ पोज को होल्ड करें। आंखें बंद करके 5 से 10 सेकंड होल्ड करें। आपके दोनों पांव आपस में मिले हों, लेग सीधी हों, लोअर बैक से आर्च में रहें। रिलैक्स करने के लिए एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे अगला आसन है भुजंगासन। भुजंगासन के लिए अपने दोनों हाथों को चेस्ट के साइड में लाएं, आपके पांव मिले हों। इनहेल करते हुए अपने फोरहेड को धीरे धीरे उठाएं, चेस्ट को उठाएं, एल्बोज बॉडी के साथ लगा के रखें, दोनों हाथ आपके पैरेलल। 5 से 10 सेकंड पोज को होल्ड करें, बैक में आर्च रखें। प्रसन्नता के भाव के साथ पांव आपके मिले हुए हों, लेग सीधी हों, एल्बोज बॉडी के साथ में। रिलैक्स करने के लिए धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए मैट की तरफ वापस चेस्ट पहले, देन हेड, दोनों हाथ फोरहेड के नीचे रिलैक्स। वेलकम बैक व्यूअर्स, अभी आपने किए सरल भुजंगासन और भुजंगासन। दोनों ही आसन आपके लोअर बैक के पेन को कम करने के लिए बहुत ही अच्छे आसन हैं। दूसरा इसका बहुत अच्छा बेनिफिट ये है कि आपकी जो एब्डोमिनल फैट है उसको ये कम करता है। इसका तीसरा बेनिफिट अगर हम बात करें तो आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट में, जब आप ऑफिस से हैं इस आसन को होल्ड करें तो आपको काफ़ी अच्छा महसूस होगा। चलिए चलते हैं इसके कॉन्ट्राडिक्शन की तरफ। कॉन्ट्राडिक्शंस में जिनकी एब्डोमिनल सर्जरी हुई है या कोई तरह की हर्निया की सर्जरी हुई है तो 2-3 महीनों तक इस आसन को अवॉइड करें। योगा मैट पर पेट के बल लेट जाएं, दोनों हाथ थाइस के नीचे रख लें, चिन फ्लोर से लगी हुई, दोनों लेग सीधी। इनहेल करते हुए अपने राइट लेग को सीधा ऊपर उठाएं, नी बिल्कुल सीधी हो, चिन फ्लोर से लगी हुई। 5 से 10 सेकेंड्स इसी पोजीशन को होल्ड करें। रिलैक्स करने के लिए एक्सहेल करते हुए लेग धीरे धीरे मैट की तरफ, सेम लेफ्ट से रिपीट करें। इनहेल करते हुए लेग को ऊपर उठाएं, नी बिल्कुल सीधी, चिन फ्लोर से लगी हुई, हाथ बॉडी के साइड में। शलभ आसन के लिए इनहेल करते हुए दोनों लेग्स एक साथ ऊपर उठाएं, चिन फ्लोर से लगी हुई, 5 से 10 सेकेंड होल्ड करें। एक्सहेल करते हुए वापस फ्लोर पे। व्यूअर्स, अभी हमने दो आसन किए हैं, अर्ध शलभ आसन और शलभ आसन। बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स हैं इन आसन के। पहले बेनिफिट की बात करें तो आपके लोअर बैक के पेन को बहुत अच्छी तरह कम करते हैं, आपके साइटिका के पेन को ये रिड्यूस करता है। अगले बेनिफिट की बात करें तो आपके जो हिप्स मसल्स हैं उनको ये टोन करता है। इसका तीसरा बेनिफिट ये है कि आपके हिप्स एंड थाइज मसल्स में जो फैट अकोमुलेट हो गया है थाइज में एंड हिप्स में, उसको ही रिड्यूस करता है, कम करता है, यानी कि वेट मैनेजमेंट में बहुत ही अच्छे आसन से हैं। इसका चौथा बेनिफिट ये है कि आपके जो लंग कैपेसिटी है उसको ये बहुत अच्छी तरह बढ़ाता है। चलते हैं कॉन्ट्राडिक्शंस की तरफ, बात करते हैं कॉन्ट्राडिक्शंस यानी सावधानी अर्ध शलभासन और शलभासन की। पहली सावधानी आपको ये बरतनी है कि जो कार्डियक पेशेंट्स हैं, जो दिल के रोगी हैं, दिल के मरीज़ हैं, उनको ये आसन बहुत ही सावधानी से करना है या ना के बराबर करना है। अगला इसका जो सावधानी आपको बरतनी है कि आपको अल्सर ना हो, पेप्टिक अल्सर, आपके कोई हर्निया की दिक्कत ना हो और आपका बीपी हाई ना हो। जिनका बीपी हाई हो वो सिर्फ अर्ध शलभासन ही प्रैक्टिस करें। व्यूअर्स, आज हमने जो आसन करे हैं उनके घर पर प्रैक्टिस कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताएं कि हम अगले किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, और जो सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगले वेंसडे एक नई हेल्थ इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक लुक गुड, डू गुड, थैंक यू, नमस्कार।